हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोंगे मेथड एंड मोंगे मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल। तो उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार मोंगे मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका तो यूज होना ही है। कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल वी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी कैपिटल वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ओके, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे हमें सॉल्व करने है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एक्स वाई टी माइनस आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस माइनस टू इक्वल टू पी वाई माइनस क्यू एक्स। हमें कहा है कि इसको सॉल्व करो बाय मोंगे मेथड, देन वी आर स्टार्टिंग। एक्स वाई टी माइनस एक्स वाई आर, अब हम क्या करें, अब हम सबसे पहले इसको ओपन करके मॉडिफाई करें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि हमें स्टेप फर्स्ट में कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, बिकॉज हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक्स वाई टी माइनस एक्स वाई आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी वाई माइनस क्यू एक्स। फिर हम करते हैं एक्स वाई टी माइनस एक्स वाई आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस, और ये जितना भी है मैटर इसको उधर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर वन। पांच स्टेप है, फिर पांच स्टेप में कंप्लीट होगा क्वेश्चन और लास्ट में को फाइनल टच देंगे। एंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यह इसको कंपेयर करना है हमें इक्वेशन नंबर वन से। तो इसको कंपेयर करते हैं तो हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिलती है वही माइनस एक्स वाई, कैपिटल टी की वैल्यू हमें मिलती है एक्स वाई, कैपिटल एस की वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके कोफिशियंट है ना, इनको हम लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, एंड कैपिटल वी इज द टोटल। उसके बाद स्टेप सेकेंड हमारा आता है। स्टेप सेकंड में हम करते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें दो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो पहली हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस बी डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड होती है आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इनकी वैल्यू पुट करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, अब हम आर की वैल्यू पुट के माइनस एक्स वाई डी पी डी वाई प्लस एक्स वाई डी क्यू डी एक्स माइनस v की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। फिर दूसरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें भी वैल्यू पुट करते हैं r की s की t की वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर थ्री बनाई। हमारा स्टेप वन हो गया, हमारा स्टेप टू हो गया, अब हम स्टेप थ्री करते हैं और उसमें हमें करना होता है इक्वेशन नंबर थ्री को फैक्टराइज। तो मैंने यहाँ लिख लिया इक्वेशन नंबर थ्री माइनस एक्स वाई डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे हम, माइनस एक्स डी वाई यहाँ से कॉमन लिया, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स बचेगा प्लस वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, तो इनमें से जो कॉमन है वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस, ये ऑब्वियसली आपको आता है क्योंकि फैक्टराइज करना इक्वेशन को आपको आता है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर फोर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फाइव। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन को किया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टराइज करना स्टूडेंट्स आपको आता है ये, तो फैक्टराइज करने के बाद हम स्टेप फोर्थ पर आते हैं। और स्टेप फोर्थ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक तो ये अब हमारे पास दो फैक्टर है, तो इन दोनों फैक्टर का हमें यूज करना होता है। हम इन दोनों में से किसी एक फैक्टर का यूज करके भी पूरे इक्वेशन को, पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हालांकि दोनों फैक्टर का यूज करें तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मोंगे मेथड जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो फैक्टर का यूज करते हैं तो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पी और क्यू की वैल्यू निकाल के हम वो इक्वेशन लिखते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो उसमें हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को कर देते हैं सोल्व। अब बात आती है कि अगर दो अब फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि दो फैक्टर सेम ही आ जाते हैं, सेम का मतलब है कि अब हमारे पास एक ही फैक्टर है और उससे से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर आ चुके हैं, तो जैसा कि हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा कर भी नहीं सकते, हमारी मर्जी है, हम कर भी सकते हैं और कर भी नहीं सकते। तो अब हम एक ही फैक्टर को लेके चलेंगे और पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर फोर मैंने यहाँ लिखी वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो।
फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वन। अब हम ऐसा एक और इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन का इंटरमीडिएट फंक्शन लिखते हैं। ऑलवेज ऐसे ही करते हैं, सेम पैटर्न रहता है मोंगे मेथड में। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर टू, माइनस एक्स वाई डी पी डी वाई प्लस एक्स वाई डी क्यू डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई माइनस पी वाई डी एक्स डी वाई प्लस क्यू एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको भी मैंने सोल्व कर लिया, देखो यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, तो ये सब मैंने कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इक्वेशन नंबर फोर, जो हमारा मतलब एक फैक्टर होता है जिसके साथ इक्वेशन नंबर टू को हम सोल्व करते हैं, तो वहां से हम देखो यहाँ पे वाई डी वाई की वैल्यू रख दो, चाहे माइनस एक्स डी एक्स इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में जहां भी वाई डी वाई आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो एक्स डी एक्स जहां भी आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह वाई डी वाई लिख सकते हो। तो ये कोई बाउंडेशन या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ वाई डी वाई को पुट कर रही हूँ माइनस एक्स डी एक्स। सो अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में वाई डी वाई की जगह माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे वाई डी वाई एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स प्लस एक्स वाई डी क्यू डी एक्स, सेम का सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई डी वाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे y dy है इसमें इसमें, तो माइनस टू एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया, और इसकी जगह हम लिखेंगे पी एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी एक्स डी वाई, हाँ दो मिनट, एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स प्लस एक्स वाई डी क्यू डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई माइनस टू एक्स, हाँ इसकी जगह हमने ये लिख दिया, फिर इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और फिर हमारा लिखा गया। ओके अब हम यहाँ से पूरी क्वेश्चन में x dx कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके मैंने लिख दिया यहाँ पे x dp प्लस y dq सेम माइनस टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हमें क्या करना होता है ना, हमें क्वेश्चन नंबर टू को बड़ा ही ईजी बनाना पड़ता है। ईजी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू से इंटीग्रेशन करके ही हमें एक ऐसी क्वेश्चन मिलती है और उसके बाद हम दोनों का इंटरमीडिएट फलन लिखते हैं। तो बड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इतना कुछ किया। उसके बाद में एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू, हाँ एक्स डी पी के साथ अगर मैं पी डी एक्स लिख देती हूँ तो एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स बनता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी। वाई डी क्यू के साथ अगर मैं क्यू डी वाई लिख दूँ तो वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई मिलकर बनता है डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यू। माइनस टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जैसा कि हम जानते हैं माइनस टू ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो ऑन इंटीग्रेटिंग। उसके बाद में इजी इसका समाकलन हो जाएगा, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, कैंसिल होने के बाद में एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू सी टू। अब जो ऊपर इक्वेशन थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों से इंटरमीडिएट फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू फाइव वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सिक्स। एंड अब इस सिक्स इक्वेशन से अब हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर फाइव में, तो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, सिक्स इक्वेशन ये है हमारी एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू फाइव वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो इसको हमने सेवन इक्वेशन नाम दे दिया। अब हमें इस इक्वेशन को देख के लगता है कि ये हमारी लंगराजे मेथड से सोल्व होगी। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर सेवन सोल्व होगी लंगराजे मेथड से, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लंगराजे मेथड। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर सेवन से, तो कैपिटल पी की वैल्यू एक्स, कैपिटल क्यू की वैल्यू वाई एंड कैपिटल आर की वैल्यू ये इतनी जितनी बड़ी वैल्यूज है ये। ओके तो उसके बाद में लैग्रांजे मेथड को सोल्व करना होता है तो उसके लिए ऑक्सिलरी क्वेश्चन होती है स्टूडेंट्स, डीएक्स अपॉन में पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे एक्स वाई फाइव वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। उसके बाद में मैं इन दोनों टर्म्स को लेती हूँ, इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप देखिएगा आपको लैग्रांजे मेथड समझ आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ समझ लो यहाँ भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म दोनों टर्म को उठा के अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ओके डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी थ्री, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई सी थ्री, एक्स इक्वल टू वाई सी थ्री और एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी थ्री, एक ऐसी इक्वेशन और बना के हम दोनों का इंटरमीडिएट फंक्शन लिखेंगे और वही जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन होगा। तो अब हम उसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अब इसको लेंगे और इसको लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट,
यहाँ पे मैंने लिख दिया dx अपॉन x इक्वल टू dz अपॉन में दिस ऑन इंटीग्रेटिंग इट. उसके बाद मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, मैं dx अपॉन x इंटीग्रेशन dx अपॉन 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy. अब इस पूरे का क्या करना है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन x 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz. अब पूरे को जैसा कि विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है तो पूरे को x में चेंज करना है, तो x में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगी. यहाँ से स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन में c3, तो ये y की वैल्यू मैं पुट करूंगी वहां, तो फिर पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा x की टर्म में. ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x 5 1 x अपॉन 3 x स्क्वायर अपॉन c3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर अपॉन c3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz. फिर उसके बाद में 1 अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने 1 अपॉन x 5 1 x स्क्वायर अपॉन c3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx प्लस 2 x अपॉन c3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz. उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x. इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ, पूरा फंक्शन ही है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया f1, 5 1 चेंज हो गया f1 में, x स्क्वायर अपॉन c3 की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में 2 x square by 2 x dx का इंटीग्रेशन x square by 2 c3 equal to z and c4 ये कांस्टेंट होता है. इंटीग्रेशन करते हैं तो क्योंकि इनफाइनिट इंटीग्रेशन है तो इसके साथ कांस्टेंट आएगा, तो z equal to f1 और x upon c3 की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ y, तो y square plus x square, फिर से मैंने वैल्यू पुट करके इसको चेंज कर दिया y में, प्लस x square upon x y plus c4 एंड जेड माइनस एफ वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी फोर. एक जो पहले हमारी फॉर्म थी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी थ्री वाली और एक ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों का इंटरमीडिएट फंक्शन मैं यहाँ लिखती हूँ जेड माइनस एफ वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एफ टू एक्स अपॉन वाई एंड जेड इक्वल टू, एंड दिस इज द सोल्यूशन जेड इक्वल टू एफ वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई. तो इस तरह हम मोंगे मेथड का यूज करके सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.